हजारों कस्टमर खाके बहुत नाम किया है। क्या चीज है ये भैया? ये चटनी में पुदीना पत्ता है, धनिया पत्ता है, प्याज पत्ता है, इमली का पानी है, छोले भटूरे में जाते हैं, छोले भटूरे के सब मिलता है। चटनी रोल चाउमीन है, मोमो है, ठीक है, कुल्फी है, मलाई है, सब कुछ है हम लोगों के पास। समोसा चाट बोलते हैं इसको। ये छोला दे दी। हाँ छोला दे दूँ। यहाँ सब दिया जी। आगे चलना है। आज रुसा भी। छोटो करवा दे तो बटोरा किनको चाहिए? बटोरा तो भाई ये देखो मैंने यहाँ पे ले लिया ये छोले भटूरे, ये 50 रुपीज़ करके, ये दो पीस यहाँ पे दिया जाता है। और ये किस तरीके के छोले हैं ये देख सकते हो, ये तरी वाले छोले हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे देखने में। और यहाँ पे ग्रीन चटनी दिया जाता है, इसको ट्राई करके देखूँगा कैसा लगता है। और ये है यहाँ पे अनियन, 50 रुपीज़ का ये कॉम्बो है, यहाँ पे भटूरे दिया जाते हैं छोले के साथ। और ये लस्सी मैंने लिया, ये 30 रुपये का है, इसको ट्राई करता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ भाई कैसा लगता है।
ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में, छोले अच्छे से पका हुआ लग रहा है देखने में। ट्राई करता हूँ पहले, छोले ट्राई करता हूँ भाई, देखने में अच्छा लग रहा है। और तरी भी ये क्या है, ये छोले का जो ग्रेवी है कुछ ज़्यादा रनी नहीं है और ज़्यादा भी ठीक नहीं है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कुक किया गया। मसाला भी सही लग रहा है मुझे, ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगता है। छोले भटूरे का चटपटा सपन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना चटपटा नहीं लग रहा है। छोले भटूरे का जो छोले रहता है बहुत ही चटपटा रहता है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, अच्छा चाहता है। मैं चटनी ट्राई कर देता हूँ, चटनी अच्छा हो सकती है, मुझसे भी खाना हो सकता है, देखता हूँ मैं इसको ट्राई करके कैसा लगता है। ये भाई इनका छोले का जो है ये चटनी दिया जाता है यहाँ पे, जो छोले भटूरे कॉम्बो में यहाँ पे चटनी दिया जाता है, चटनी देखता हूँ ट्राई करके कैसा लगता है। ट्राई करता हूँ, चटनी बहुत ही बढ़िया भाई, चटनी ऊपर डाल के खाऊंगा तो बढ़िया लगेगा, देखता हूँ कैसा लगता है। ये थोड़ा मैंने ले लिया, ये चटनी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, धनिया पत्ता खट्टा मीठा सब कुछ दिया गया है इसके अंदर, बढ़िया लग रहा है। इमली भी दिया गया शायद इसके अंदर, बहुत ही खट्टा बना रहा है इसके अंदर। इसको एक बार मिक्स करके इसके साथ ट्राई करके देखता हूँ भाई कैसा लगता है। ये मैंने मिक्स कर लिया, अभी मैं इसके साथ ट्राई करता हूँ भाई। भटूरे तो सॉफ्ट लग रहे भाई, भटूरे का साइज छोटा है लेकिन सॉफ्ट है, ट्राई करके देखता हूँ भाई इसके साथ कैसा लगता है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई, सॉफ्ट है, ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगता है। ट्राई करता हूँ, सूखे चिकन में थोड़ा ठंडा हो गया लेकिन देखता हूँ ट्राई करके कैसा लगता है। भटूरा है बहुत ही सॉफ्ट है, भटूरा बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो भाई इतना सॉफ्ट लग रहा है और बहुत ही फ्लफी है, ये देखो अंदर देखो बहुत ही, ये देखो फोकस नहीं हो रहा कैमरा, ये देखो बहुत ही फ्लफी है। ट्राई करता हूँ और एक बार, ट्राई करके देखता हूँ, ये चटपटे मसालों के साथ बहुत ही बढ़िया जा रहा है, ये बढ़िया लग रहा है। ये कॉम्बिनेशन पूरा इसके साथ मिक्स करके खाइएगा तो बढ़िया लगेगा। फिर और एक बार ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगता है, लग रहा है भाई पेट भर जाएगा आपको, दो भटूरा खा गया आराम से पेट भरने वाला है। अगर आप भटूरा लग रहे तो और लेंगे आप, बहुत ही सॉफ्ट है भटूरा, बहुत ही लाइट लग रहा है, ऐसा नहीं पेट भर जाएगा एक दो बाइट में, लगेगी ऐसा नहीं है, पूरा बहुत ही लाइट है सॉफ्ट है, बढ़िया लग रहा है खाने में। इसी भटूरा भी जब सोच सर छोला में ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया सब जो तरी है सब सूखने लग गया, बहुत देर से मैं शूट किए जा रहा हूँ इसकी वजह से, ट्राई करता हूँ देखता हूँ छोला कैसा लगता है। छोला जो अभी बढ़िया लग रहा है, इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है भाई। अभी और एक बार लेता हूँ बाइट, अभी जो मैं इतना लस्सी है वो ट्राई करता हूँ, लस्सी गाढ़ा लग रहा है ठीक लग रहा। ये देखो भाई 30 रुपये करके यहाँ पे सर्व किया जा रहा है, उसको ट्राई करके देखता हूँ भाई कैसा लगता है। ठीक है देखता हूँ कैसा क्या, नहीं उतना उतना जो है ठीक नहीं है, थोड़ा यहाँ पर रनी है इसको लेते तो और थोड़ा ठीक हो सकता है। लेकिन देखिए भाई पूरा फुल मिले, बढ़िया लग रहा है 30 रुपये के हिसाब से, आके इसको ट्राई जरूर से कर सकते हैं। छोला भटूरा मैं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे जो आपको ग्रीन चटनी दिया जाता है, ग्रीन चटनी को आप यहाँ पे छोले के ऊपर मिक्स करके खाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। और जैसे मैंने बताया था भटूरा बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया है। और आज ये संडे भाई, आज तो भीड़ होने ही वाला है, और नॉर्मल टाइम में ऐसा नहीं भीड़ नहीं होता है, नॉर्मल टाइम में भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। आज संडे बोल के मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा खाली, नहीं तो नॉर्मल टाइम में ज़्यादा भीड़ रहता है। तो और एक बार बाइट लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई अच्छे से मैंने यहाँ पे भटूरा और ये चला गया भाई, ओए 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 कितना बढ़िया लग रहा है भाई, इसको लीजिए और पाजी चला जाइए, कितना बढ़िया लग रहा है, बढ़िया बढ़िया भाई, कितना कम लगेगा भाई, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे हिसाब से भाई हाई रिकमेंडेड है, जरूर से आइएगा, अगर आते हैं कभी न्यू मार्केट एरिया में कोलकाता के, जरूर से आइएगा एकदम। जो न्यू मार्केट है पीछे देख सकते हैं आप लोग, न्यू मार्केट के एकदम अपोजिट में ही है और बहुत ही बढ़िया रहते हैं, आके जरूर सुनने छोले भटूरे पर ट्राई करेंगे। और यहाँ पे इडली डोसा वगैरह सब कुछ मिलता है, साउथ इंडियन खाना भी मिलता है आपको यहाँ पे, सारे चाट आइटम भी मिल जाएंगे, समोसे वगैरह भी मिल जाएंगे। मैं फिलहाल उतना सारा आइटम लिया नहीं, मैं फिलहाल सिर्फ जो छोले भटूरे लिया वो ट्राई करके बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया इनका जो है ये आइटम, अच्छा लग रहा है भाई खाने में, बढ़िया है। जो है अभी जो समोसा चाट है मैं वो लेकर देखता हूँ भाई, वो कैसा लगता है। छोले भटूरे भाई बहुत ही अच्छा जा रहा है, देखता हूँ कितना खा पाता हूँ क्या नहीं। छोले भटूरे ले यार, छोले भटूरे अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है खाने में, अच्छा भाई। मैं जो है समोसा है, समोसा वाला आइटम ट्राई करके देखता हूँ, समोसा चाट वो देखता हूँ कैसा अच्छा खाने में। तो देखो भैया ने और थोड़ा सा यहाँ पे छोले दे दिए, उसके ऊपर थोड़ा सा और चटनी देके मैं खा रहा हूँ, और भाई भी बहुत ही बढ़िया आएगा, दोनों को मिक्स करके खाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सही है।
सो भाई देखो मैंने अभी ले लिया यहाँ पे छोले समोसे भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। और छोले देखो भाई कितना ज्यादा क्वांटिटी में इसके ऊपर दिया गया, और ये ओनली 35 रुपीज में यहाँ पे दिया जाता है। और ये देखो भाई दो समोसे यहाँ पे दिया गया, छोले समोसे। समोसे देखो अच्छे तरीके से यहाँ पे तरी में यहाँ पे पूरा लथपथ होकर यहाँ पे लग चुका है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऊपर से अनियन दिया गया और खट्टी चटनी ऊपर से दिया गया, और तरी दिया गया था ये छोले का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। छोले तो वो छोले भटूरे वाला छोले दिया गया, और उसके ऊपर ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है भाई खाने में। ओए हो बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया समोसे देखो, पूरा गर्मा गर्म लग रहा है देखने में, धुआं उठ रहा है देखने में ही पता चल रहा है गर्मा गर्म है समोसे यहाँ पे। ट्राई करता हूँ, देखता हूँ इसके साथ कैसा जाता है। थोड़ा सा कड़ी ले लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ग्रेवी ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके साथ ट्राई कर देखता हूँ छोले आगे ऊपर। ट्राई करता हूँ भाई, और थोड़ा सा छोले ले लेता हूँ भाई, बढ़िया लगेगा इसके साथ। ये देखो भाई ट्राई करता हूँ भाई, पूरा बड़ा सा वाइट हो गया, बहुत ही रश हो रहा है यहाँ पे शूट करने में, बहुत ही दिक्कत हो रहा है, काम का नहीं बहुत दिक्कत हो रहा है। फटाफट इसको खत्म करता हूँ और दिखाता हूँ भाई टेस्ट में कैसा लगता है। बढ़िया लग रहा है भाई समोसा, बहुत ही बढ़िया है। सुन आलू का स्टफिंग दिया गया था मसालों का, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था समोसे के अंदर, जो मसाला आलू दिया गया था उसके साथ ये जो ग्रेवी है छोले का ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया जा रहा है। ये देखो इतना बढ़िया लग रहा है देखने में, लथपथ हो चुका है पूरा यहाँ पे तरी से पूरा समोसा। ये देखो भाई इतना बढ़िया लग रहा है भाई, छोले जो ज़्यादा से ज़्यादा लेता हूँ, और ऊपर से थोड़ा ये समोसा का जो है यहाँ पे टुकड़ा है यहाँ पे, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ उसके साथ, देखता हूँ अभी कैसा लगता है। थोड़ा सा ऊपर ना अनियन देकर ट्राई करता हूँ, अनियन देकर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा आगे अनियन, ओए 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 भाई बहुत ही अच्छा सा वाइट यहाँ पे बन चुका है, इसको ट्राई करता हूँ फटाफट फटाफट ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगता है। बहुत ही बढ़िया भाई, 35 रुपीज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। और हाँ लस्सी मैंने बचा के रखा था, उसके साथ लस्सी पीना तो जरूरी है भाई, गले को थोड़ा सुकून चाहिए इतना गर्मा गर्म खाने के बाद। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया था, मेरा लंच हो गया आज का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और छोले समोसे हैं बहुत ही बढ़िया है, और जो यहाँ पे जो है आपका छोला भटूरा भी था वो भी बढ़िया था, भटूरा वैसे छोटा है लेकिन सही है। यहाँ पे जो है ना वो परमानेंटेड जो मैदा रहता था उसी से बनाया जाता है, और ये छोटा साइज का रहता है, वो ऐसा नहीं है बड़ा वाला भटूरा जो दिल्ली मुंबई साइड में हम लोग खाते हैं, या कोई बड़ा सा शॉप पे अगर आप भटूरा लेते हैं, भटूरा का साइज बहुत बड़े बड़ा साइज का रहता है, ये वैसा भटूरा नहीं है, छोटा वाला परमानेंटेड जो है मैदा से बनाया जाता है, और फ्लफी रहता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई ये खाने में। ये कुलचा टाइप का आता है, कुछ छोले कुलचे बोल सकते आप, ये भटूरा टाइप स्टाइल का थोड़ा सा बताया जा रहा है, लेकिन ये कुलचे टाइप का बोल सकते हैं, भटूरा तो बड़ा होता है भाई। तो जी हाँ वही तो खा के बहुत ही मजा आया यहाँ पे। और ये जैसे मैंने आपको एड्रेस बता दिया, आपका जो न्यू मार्केट है एकदम न्यू मार्केट के एकदम अपोजिट में आता है, बहुत ही बढ़िया स्टार जो है यहाँ पे रस्ते का मोड़ है, 3 रस्ते का जो मोड़ है वहीं पे, बहुत ही बढ़िया बहुत ही क्राउडेड है, मेरे पीछे देख सकते हैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो भाई इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, और दुकान पे देखो कितना भीड़ है यहाँ पे, लोग यहाँ से आना और खाना बहुत ही पसंद करते हैं। फटाफट मैं इसमें यहाँ पे फिनिश कर करता हूँ भाई यहाँ से, लेकिन तो बहुत ज़्यादा रश होने वाला है अभी, तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। और कभी अगर आप आते हैं कोलकाता में न्यू मार्केट एरिया में तो जरूर आइएगा यहाँ पे, अगर जरूर ट्राई कीजिएगा। दुकान का नाम प्रॉपर मैं बता देता हूँ भाई, ये दुकान का नाम थोड़ा अजीब सा है, दुकान का जो प्रॉपर नाम है बता देता हूँ, उस दुकान का नाम है भाई पेप्सी स्नैक्स बार, पेप्सी स्नैक्स बार दुकान का नाम है। प्रॉपर जो लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर आइएगा और ट्राई कीजिएगा। मैंने फिलहाल ये दो आइटम ट्राई किया यहाँ पे, और भी सारे साउथ इंडियन आइटम मिल जाए जी, साउथ इंडियन आइटम भी यहाँ पे मिल जाएंगे। फिलहाल मुझे तो खा के यहाँ पे बहुत मजा आया, क्योंकि अगर आप आते हैं कोलकाता के स्टडीड एरिया में तो जरूर सहीगा, पूरा वेज आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आके जरूर से ट्राई कीजिएगा। और जी हाँ तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दिया जाएगा, और मेरे सारे बूटलेट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी और स्टे फिट। बाय बाय। दुकान का नाम बताइए, एड्रेस बता दीजिए, और आपका जो है टाइमिंग बता दीजिए। इधर का एड्रेस हो रहा 1516 कोलकाता 87। अच्छा, और दुकान का नाम? दुकान का नाम पेप्सी स्नैक्स बार। पेप्सी स्नैक्स बार। और आपका जो यहाँ पे टाइमिंग क्या है, कब से कब तक खुलता है? 9:30 बजे से। अच्छा, 9:30 बजे से रात 9:30 बजे। और यहाँ पे क्या क्या आइटम मिलता है? हर किसी का डोसा, इडली, वड़ा, अच्छा छोला भटूरा, अच्छा रोल, चाउमीन, मोमो, अच्छा ये सब सारा आइटम मिल जाएगा आपको, और लस्सी, अच्छा सब कुछ मिल जाएगा, सारा आइटम यहाँ पे मिलता है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच।